हमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई है कि ये सेशन एक्चुअली क्वेश्चन आंसर राउंड है. हम सबको पता है कि हमको ओएसिस को स्प्रेड करना है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जब तक हम ओएसिस को जानेंगे नहीं, हम स्प्रेड कैसे करेंगे, हम गहराई तक कैसे जाएंगे. आज मुझे देश के लिए काम करना है, पर मुझे काम क्यों करना है, किसके ज़रिए करना है, किस मुद्दे पर करना है, ये नहीं पता होगा तो मैं देश के लिए क्या काम करूँगी. तो उसी तरीके से ओएसिस के साथ काफ़ी लोग जुड़े हैं, काफ़ी लोग जुड़ना चाहते हैं और आगे भी जुड़ते रहेंगे. लेकिन मेन मकसद है कि पहले वो इंसान ओएसिस को समझ जाए, उसको क्लैरिटी आ जाए कि एक्चुअली ओएसिस क्या है, किस लिए काम करता है. तो उसके लिए एक छोटा सा हमारा ये सेशन है जिसमें हम सबको बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे. तो हम लोगों को क्वेश्चन पूछना हो, जैसा कि हमें पता है कि अभी सक्सेशन अनाउंस हो गया है, तो हमारी जो यंग टीम है वही हमें आंसर्स देगी कि व्हाट इज ओएसिस. तो इसके लिए हम लोगों के पास आई होप बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे. पर्सनली मेरे पास भी बहुत सारे हैं. तो आई वुड लाइक टू इनवाइट आत्मजा दीदी, अवधि दीदी, जय भाई एंड सरेश भाई कि आप लोग हम लोगों को आंसर्स दें. थैंक यू. गुड इवनिंग. यस, सो ऑलरेडी कोमल ने बता दिया है ये एनिग्मा ऑफ ओएसिस, यानी ऐसी पजल है जो कोई सुलझा नहीं पाया है. एनिग्मा है बहुत बड़ा. तो अभी भी पजल हमारे लिए भी है ही, और इट इज़ एक्चुअली डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन व्हाट इज़ ओएसिस. बट स्टिल अगर आपको ओएसिस के प्रोग्राम्स को लेके, स्पिरिट को लेके, हम लोगों को यानी कैसे लोग ओएसिस में जुड़ते हैं, क्या टच करता है, सो उस टाइप के कोई भी क्वेश्चन ओएसिस रिलेटेड हो तो वो आप हमें पूछ सकते हो. एंड वी विल ट्राई आर बेस्ट कि आपको सेटिस्फेक्शन हो वैसे हम उसका आंसर्स दें. So it is up to you. So yes, start. हमें कुछ start नहीं करना है. मैं बहुत सालों से ओएसिस का काम कर रही हूँ, ओएसिस से जुड़ी हूँ, पर आज तक मैं मेरी मम्मी के एक क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाई. तू चालो जाके करती क्या है ओएसिस में, क्या करती है, इसका आंसर मैं नहीं दे पाई. गोल गोल घुमा के छोड़ देती हूँ, पर उसका आंसर मैं एक सेंटेंस में जो मेरी मम्मी समझ जाए ना, वो आंसर मैंने दे पाई. तो आप वो मुझे आंसर दे सकते हैं कि मैं ओएसिस में क्या करती हूँ? एक्चुअली आंसर हम भी नहीं दे पाए, इसलिए हमारे पेरेंट्स को बुला लिया है कि प्लीज आओ और समझो, एक्सपीरियंस करो. सो आप भी उन्हें कोई प्रोग्राम में लेके आइए. जिस तरह से मैं ओएसिस को समझती हूँ, क्या इमोशंस को या फीलिंग्स को हम शब्द दे सकते हैं हर बार? इज इट रियली पॉसिबल कि हमारे इमोशंस जो है, या हम जो फील करते हैं, या फिर हम जो अंदर ही अंदर महसूस करते हैं, इज इट रियली पॉसिबल कि जो हम महसूस करते हैं उसको हम शब्दों में बयां कर पाए हर बार? इज इट रियली पॉसिबल फॉर अस किसी भी तरह? सो एग्जैक्टली ओएसिस हम सबको पता है इज नॉट अ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, और ये एक ऐसी दुनिया है जिसको यूटोपिया बोल सकते हैं. यूटोपिया मीन्स एक ऐसी ख्वाबों की दुनिया कि जहां पे सब कुछ परफेक्ट हो, जहां पे सच्चाई का राज चले, जहां पे आइडियलिज्म, व्हाट वी से इन गुजराती, आदर्शवाद की दुनिया हो, जहां पे एक पैसा, सो एक अच्छी सी आपको हम जय भाई रिक्रूटमेंट की एक कहानी सुनाना चाहेंगे. जिसमें शायद शैलेश भी था, राइट? रिक्रूटमेंट प्रोग्राम. सो ऐसा हुआ था रिक्रूटमेंट प्रोग्राम में, फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया बहुत सारे यूथ्स आए थे ओएसिस को समझने के लिए. तो वो लोग समझ नहीं पा रहे थे, उन लोगों को लग रहा था कि दिस इज नॉट पॉसिबल, करप्शन किए बिना कैसे बिल्डिंग बन सकता है, दिस इज ऐसा लगता था कि ये पॉसिबल ही नहीं है. ऐसा लगता था ये लोग पागल है क्या, दिल की बातें करते रहते हैं. दिल की बातें मीन्स क्या? जो कोई इंसान पहली बार सुनेगा, मैंने भी जब पहली बार सुना था
ये क्या पागलों की तरह बात करते हैं, दिल की सुनो, दिल जो चाहे वो करो, अपना दिल अपने हार्ट को फॉलो करो, जो तुम चाहते हो वो करो, जो समाज चाहता है वो ना करो। सो ये सारी बातें क्या एक्चुअली एक्सपीरियंस किए बिना समझी जा सकती है? इज इट रियली पॉसिबल कि दिल की सुनो वो इंटेलेक्चुअली हम समझ पाए? क्या दिल की सुनना बुद्धि से पॉसिबल हो सकता है? सो ये एक ऐसी दुनिया है कि जो महसूस करके ही समझी जा सकती है। बहुत क्लियर कट आपने दीदी ने आंसर दे दिया कि एक्चुअली वो एक्सपीरियंस करके ही समझी जा सकती है। हम शब्दों में कैसे बोले कि मैंने अपनी जिंदगी में क्या पाया? अगर कोई इंसान बोल रहा है कि मैं पहले ये सोचता था, पहले मैं ऐसा सोचता था कि करप्शन करना चाहिए, और आज मैं ये सोच रहा हूं कि नहीं, करप्शन नहीं करना चाहिए, तो ये अनुभूति को, ये इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन को आप कैसे समझा पाओगे किसी को? ये तो एक्सपीरियंस करके ही समझा जा सकता है। सो दिस इज व्हाट आई स्ट्रांगली बिलीव। हम अपनी स्टोरीज कह सकते हैं, हम अपनी बातें कर सकते हैं अपने पेरेंट्स के साथ कि देखो मैंने ये किया, देखो मैंने ये किया, बट ऑफकोर्स इट ऑल्सो मैटर्स कि हाउ डू दे सी अवर ट्रांसफॉर्मेशन। दैट इज ऑल्सो आई थिंक, मैं ये सोचती हूँ कि एक्शंस स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। सो अगर हमारे अंदर एक्चुअली में ट्रांसफॉर्मेशन आया है तो हमारी एक्शंस ही इतनी स्ट्रांग होगी कि शायद फिर वो इंटेलेक्चुअली समझना चाहेंगे तो उसके आंसर्स हमें देने पड़ेंगे, लेकिन वो दिल से तो समझ जाएंगे। That is what I understand. Okay, so OSS is character building education, what we teach and what we impart to all the children through all our different modules. But if somebody asks you, what is the crux of the philosophy of character building education? So how would you answer that question? What is the crux of the philosophy of character building education? Crux means what is the core, what is the real core crux, what forms the character building education's philosophy? What is the core? So I have been asked this question. The reason why I'm asking is because I go to many institutes, I go meet many people, founders, big NGO people, CEOs, education heads, a lot of people. So when I talk about OSS movement and I talk about the character building forming the core of all our modules, they always ask me this question, that what is the philosophy behind character building education? What, so is it, you know, four or five, like some say, is it democracy, is it fraternity, is it equality, is it about freedom, is it about justice? So there are so many words which can define character building education, but for different people, character building education means different things. So in the OSS context, for us, how do we verbalize it in a meeting to make it very, very effective and get the message across, is something that I need help with, because I've said many things. Jay and I have had many discussions about this in the past as well. And all what we have discussed, I have spoken. And but I have still run short of words and points, because they still keep on, you know, wanting more information. And then there comes a point where, you know, I myself, because the journey for me has just started as well, so I have not yet had exposure to so many
modules and so many programs which OSS conducts. So for me, the exposure is limited only till life camp. What I learned to be a facilitator and what I am now trying to do over there based on what I learned. Now there are so many other programs which I have not yet experienced, So it's all based on what I have heard and what I am learning as the journey goes. But sometimes the stakes are very high in some of these meetings, you know. So if I'm not able to impress, you know, if I'm not confident and if I'm not, you know, coming across as a person who is 100% sure of what they are trying to communicate, sometimes I feel I may not be doing justice to, you know, my meetings. So this question is something which I am, you know, I do struggle with. Though I answer it, I don't get stuck because I can weave words and I can talk about various things. But I would like to hear from you because all of you have more experience. What would you say if that question was put to you? Just your perspective on that question. Yes. So वो पूछ ही रहा है सॉरी हिंदी वो ऐसा पूछ रहा है हमें कि जो कैरेक्टर बिल्डिंग एजुकेशन है यानी हम जब ओएसएस की बात करते हैं तो हम ये बोलते हैं कि कैरेक्टर बिल्डिंग एजुकेशन है या कैरेक्टर बिल्डिंग पे या कैरेक्टर डेवलपमेंट पे हम काम करते हैं तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि कैरेक्टर डेवलपमेंट मतलब क्या और वो भी क्रक्स में यानी डिटेल में तो शायद आराम से बता सकते हैं बहुत सारी फिलॉसफी है लेकिन अगर थोड़ा सा वक्त है तो मैं कैसे किसी को बता पाऊँ या एक्सप्लेन कर पाऊँ कि हम क्या काम कर रहे हैं और एक्चुअली इट इज़ वेरी डिफिकल्ट जैसे सबने बोला सो वो क्रक्स हमसे जानना चाहते हैं कि एक्चुअली क्या है सो टीना दीदी राइट ना ओके यस सो आई गेस हम सबको इसका कुछ कुछ आंसर देना चाहिए सो अगर मुझे कोई आंसर देना हो तो मेरे दिमाग में दो चीज़ें घूम रही थी जब आपका क्वेश्चन पूछ रहे थे सो वन वाज कि जब हम हार्ट ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं सो एजुकेशन का जो मीनिंग है जहाँ से एजुकेशन वर्ड निकल के आया है सो एजुकेशन डिफाइन करता है टू ब्रिंग आउट यानी मेरे अंदर जो है वो मुझे बाहर निकालना है सो कैरेक्टर बिल्डिंग एजुकेशन मतलब मेरे अंदर जो है वही मुझे बाहर निकालना यानी सबको एक तरीके का कैरेक्टर एजुकेशन नहीं है लेकिन मेरे अंदर क्या पोटेंशियल है वो बाहर आना चाहिए एंड सेकेंड जब हम दिल से बात करते हैं अभी अगेन दिस इज एक्सपीरियंस सो जब वो एक दिल एक हो जाता है ना कि मुझे इसी कॉज के लिए काम करना है फिर चाहे कुछ भी हो तो 5 मिनट में मैं जो भी बोलती हूँ उसका मैजिकल इम्पैक्ट होता है सो अभी मेरा बहुत रिसेंटली एग्जांपल है मैंने सुबह भी मेरी स्टोरी में बताया था कि मैं जब फेलोशिप में थी तो मैं फंड रेज कर रही थी सो उसका एक छोटा सा हिस्सा है जो कैरेक्टर एजुकेशन के साथ कनेक्टेड इट इज़ नॉट विथ ओएसएस पर मुझे वो करना था क्योंकि दैट वॉज सो इम्पॉर्टेंट सो मैं फंड मांगने के लिए गई थी एंड 5-7 मिनट्स में मैंने एक डोनर को कन्विंस किया था कि क्यों मुझे चाहिए एंड बिकॉज दैट फील वॉज देयर जो भी बोला वो उनको टच हुआ था सो व्हेन आई एम अग्री विद दैट कॉज आई एम रेडी टू डू एनीथिंग फॉर दैट कॉज तो मेरा बॉडी लैंग्वेज मेरा हर एक वर्ड इतना कुछ बोल जाता है कि शायद मैं वर्ड्स नहीं बोलती हूँ फिर भी वो चीज़ वो पकड़ लेता है कि इस लड़की में कुछ है एक्चुअली कॉज के लिए काम करना है उसमें मेरा पर्सनल फ़ायदा तो कुछ है ही नहीं आई एक्चुअली वॉन्ट टू डू फॉर द चिल्ड्रन सो दैट इज़ आई गेस वो आ जाता है सो वी डोंट नीड टू टेल एनी काइंड ऑफ फिलोसॉफी और थियोरी एट दैट टाइम दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस बट यू गाइज ऑल्सो कैन शेयर योर एक्सपीरियंस देर आर टू थिंग्स इन दिस वन इज वॉट यू स्पीक एज यू सेड एंड वन इज वॉट यू कैरी हाँ सॉरी इसमें दो चीज़ है
दो चीज़ सामने वाले पे असर करती है, एक तो आप क्या बोलते हो और एक आप क्या हो, योर बीइंग जिसको बोलते हैं, आपका अस्तित्व उनके सामने जो 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट के लिए होगा वो. सो अस्तित्व के बारे में बताया कि दैट ईच एंड एवरी एक्शन दैट स्पीक्स. हम फॉर एग्जांपल शिबा दीदी को सुनते हैं तो उनको कोई सुन के 5 मिनट में ओएसिस के प्यार में पड़ जाएगा, है ना. सो क्योंकि वो क्या बोलते हैं उससे ज़्यादा वो क्या कैरी करते हैं दैट इज मच मोर इम्पॉर्टेंट. एंड वॉट वी स्पीक इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, नो डाउट, बट इफ हम अगर उसको इंटेलेक्ट यानी दिमाग से समझाने जाएंगे ना सामने वाले इंसान को, तो हम गलत खड्डे में पड़ रहे हैं. वो एक ऐसी सुरंग है जिसका कोई एंड नहीं है, क्योंकि उनके और सवाल आएंगे सामने. अच्छा तो ये फ्रीडम, व्हाट डू यू मीन बाय फ्रीडम, व्हाट डू यू मीन बाय डेमोक्रेसी, राइट. एग्जैक्टली, आई हैव हैड एक्सपीरियंस, दैट्स व्हाई दिस इज कमिंग आउट ऑफ एक्सपीरियंस. सो वन थिंग एक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है कि द साइन ऑफ जीनियस इज दैट जो जीनियस लोग होते हैं वो हर एक चीज़ को बहुत सिंप्लीफाई करके देते हैं, वो एक जीनियस का साइन होता है. तो ये छोटा एक्सपीरियंस है. इन अहमदाबाद में एक स्कूल है, बहुत फेमस स्कूल, सबसे फेमस स्कूल अहमदाबाद की, वहाँ पे एडमिशन लेना भी बहुत मुश्किल होता है. वहाँ पे ओएसिस का कोई काम नहीं होता था. जब मैं अहमदाबाद में था मैंने ठान ली थी कि यहाँ पे तो काम करके रहेंगे, जो भी हो आई वॉन्ट टू वर्क देयर. और पहले हम गए थे जो पहले काम करते थे, लेकिन वहाँ से रिजेक्शन हुआ था. फिर जाके मैंने ठाना कि नहीं यहाँ पे तो करना है, प्रिंसिपल को कुछ भी करके कन्विंस करेंगे लेकिन काम करना है यहाँ पे. फिर जाके मैंने उनको सवाल पूछा, मुझे 5 मिनट चाहिए थे. मैंने बोला कि सर आप बहुत बिजी हो मुझे पता है, लेकिन आपके 5 से 10 मिनट मुझे चाहिए. फिर मैंने शुरुआत ना ओएसिस से की, ना लाइफ कैंप से की, ना एग्ज़ाम कैसे की तैसी से की. मैंने सिंपली जाके उनको एक सवाल पूछा कि सर आप इतने सालों का आपका अनुभव है बच्चों के साथ, तो आपको क्या लगता है कि बच्चों का विकास हो सके उसके लिए उनको क्या ज़रूरत है. तो आंसर वहीं से निकला, क्योंकि ये सवाल का जवाब ऐसा है ना कि सबको पता है कि बच्चों को प्यार चाहिए, बच्चों को ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए जहाँ पे वो खुल सके, फ्रीडम चाहिए, वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके. ये सवाल का जवाब सबको इंटेलेक्चुअली यानी दिमाग में तो सही मालूम तो है ही, तो वही उनको टच करना है. आप इस सवाल का जवाब एक्सप्लेनेशन में आप जाओगे, ये मेरा मानना है, तो वो नहीं जाना चाहिए. हमको उनको ही सवाल करना चाहिए, सर आपको क्या लगता है कि बच्चों के लिए अगर हमको उनका विकास करना है, उनका पोटेंशियल बाहर निकालना है जो एजुकेशन का असली मकसद है, तो उसके लिए हमको कैसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना चाहिए. तो वहीं से आप बात अगर शुरू कर सकते हो तो शायद एक कॉमन ग्राउंड मिल जाए एंड बात आगे बढ़ जाए. सो दैट वुड बी माय वे ऑफ डूइंग, योर्स कुड बी डिफरेंट. फिर भी कई बारी वो यू नो उस आई हैव डन दैट एंड देन बोलते रहो उनको कि एजुकेशन इज यू नो दे से हाँ ये करना चाहिए लेकिन होता नहीं है. देन दिस अच्छा एजुकेशन आपके मतलब आपके लिए क्या मायने रखता है. देन यू आल्सो गो इनटू द आंसर्स के भाई एजुकेशन इज नॉट ओनली अ मीन्स ऑफ लाइवलीहुड एंड यू नो यू हैव टू चेंज वन पर्सन एट अ टाइम और बहुत कुछ उनको इट्स नॉट जस्ट अ वे ऑफ अर्निंग अ लिविंग. सो वो सब हम एंड इट्स नॉट जस्ट एन एंड, इट्स द होल जर्नी, इट्स द प्रोसेस, इट्स हाउ वी लिव आवर लाइफ. सो ये सब हम सिखाते हैं, हम ये मॉड्यूल्स हैं हमारे ये सब. सो दे वॉन्ट टू नो कि इन मॉड्यूल्स में क्या होगा, आप क्या करेंगे. आपके कोई ब्रोशर्स नहीं हैं, आप ब्रोशर्स दीजिए कि आप ये हमसे इतना 3 दिन का समय मांग रहे हैं तो हमारे पास टाइम नहीं है, आपको आप हमें फॉर्मेट समझाइए, ब्रोशर्स दीजिए. सो फिर मैं वो ईमेल में वो पीडीएफ्स तो हैं हमारे पास, वो बेसिक पीडीएफ्स फिर उन्हें ईमेल करती हूँ, उन्हें समझाती भी हूँ और मॉड्यूल्स का डिस्क्रिप्शन भी दे देती हूँ. तो वो सब तो मैं कर रही हूँ पर स्टिल द यू नो मैनी पीपल आर स्टिल क्वाइट स्केप्टिकल. सो द ओनली सोल्यूशन इज मूव ऑन. लाइक समटाइम्स जब इट्स समटाइम्स ऐसे भी होता है कि वो नहीं मानते. मैं कितना कर कन्विंस तो एक बहुत मैं निराश हो गई 2-4 बारी. तो
तो मैं गाड़ी में बैठी, बहुत दुखी थी, तो मेरा ड्राइवर बोला, मैम आप निराश क्यों हो रहे हैं, नुकसान तो उनका हुआ ना, आपने तो अपनी पूरी कोशिश करी, अगर अगर वो नहीं माने तो नुकसान उनका है, हम दूसरी जगह ढूंढते हैं जो आपकी बात मान जाएंगे तो उनका फायदा हो जाएगा, आप बुरा मत मानिए. सो देन आई सेड ओके, दैट्स अ गुड वे ऑफ लुकिंग एट इट, यू नो, कि हर एक इंसान मानेगा नहीं, जो मान गया उसको शिक्षा में उसको फायदा, जो नहीं माना उसका नुकसान. पर स्टिल जो नहीं माना उसके लिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मैंने शायद नहीं ठीक से बोला हो, इसीलिए वो नहीं माना. इसलिए आई जस्ट वॉन्टेड टू नो योर परस्पेक्टिव कि आप लोग क्या सोचते. लाइक जैसे तो मेरी काफ़ी डिस्कशन हुई, पर अवधि, आत्मजा और शैलेश, आप तीनों का मैंने परस्पेक्टिव नहीं सुना है, इसीलिए आई वॉन्टेड टू पुट द सेम क्वेश्चन विच आई हैड पुट टू जय. और एक्चुअली इसमें ऐसा भी होता है कि कई सारे लोग अर्ली एडप्टर्स जिनको हम बोलते हैं कि जो चीज़ है वो ऑलरेडी समझते हैं और उनके उसके पास है, माने वो चीज़ से वो लोग भी जल्दी अग्री हो जाते हैं, और कई लोग उनके खुद के कुछ उनके प्रॉब्लम्स की वजह से या उनकी लाइफ की वजह से उनका वो जो पैराडिम बन गया हो, तो फिर उनको समझना चाहते हुए भी हम समझाना चाहते हैं लेकिन फिर भी वो नहीं समझ पाते. सो हमें ट्राई हमारा बेस्ट करना चाहिए, बट जो अर्ली एडप्टर्स हैं उन पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए. और दूसरी चीज़ मेरी मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ जितनी मैंने खुद ने ज़्यादा एक्सपीरियंस की है, मैंने जितनी ज़्यादा समझी है, की है, वो चीज़ को मैं ज़्यादा अच्छी तरह से, अच्छे कन्विक्शन से, माने अभी मैं एग्ज़ाम की ऐसी की तैसी के बारे में बोलने जाऊँगा तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस है बिकॉज मैंने खुद ने वो करके दिखाया है. सो जो जो चीज़ में, माने मैंने फैसिलिटेशन है तो लाइफ कैंप है, कुछ कोई भी चीज़ है, तो मैंने जितनी ज़्यादा एक्सपीरियंस की है, जितनी ज़्यादा मैंने की है, उसके हिसाब से भी मेरा एक अलग कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है. सो मैं शायद HCJ समझाने जाऊं तो उतने अच्छे से नहीं समझा पाऊंगा, लेकिन मैं जो जी रहा हूं वो मुझे समझाना हो तो वो कॉन्फिडेंस भी और वो चीज़ भी बहुत अच्छे से ज़्यादा मैं समझा पाऊंगा. ये भी एक डायमेंशन है. अगेन आई वुड लाइक टू से कि मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ. अगर आपको कोई जगह पे ऐसी की तैसी हमारी जो मोमेंट है उसको एक्सप्लेन करना है, या उसके लिए आपको चाहिए कि वो मोमेंट इस स्कूल में या इस NGO में वॉट एवर होनी चाहिए, तो हाउ डू यू लुक एट दैट, हाउ डू यू ट्राई टू एक्सप्लेन दैट, इज़ आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. ओके 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 सो अगर मैं हूँ तो क्यों करनी है ऐसी की तैसी मोमेंट? दो सेशन करने हैं, 5 सेशन करने हैं, 10 सेशन करने हैं, 100 सेशन करने हैं, स्कूल में एंट्री लेनी है, क्यों करूं मैं ऐसी की तैसी के सेशंस? यहाँ पे जो दोस्त बैठे हैं अगर उन लोगों ने किए हैं तो क्यों करने चाहिए ऐसी की तैसी के सेशन? नंबर बढ़ाने के लिए क्यों करने चाहिए? मैं जब सेशन लेती थी तो मेरा एक ही उद्देश्य रहता था कि क्लास में 40 बच्चे होंगे या 60 बच्चे होंगे, उसमें से 60 में से तकरीबन 50 तो डरते ही होंगे, 5 बोलते होंगे, 45 नहीं बोलते होंगे, पर 5 में से शायद कोई सुसाइड के बारे में या डिप्रेशन के जा ट्रैप में है और उसको मैं बचा लूँ, तो मेरे 100 सेशन ले रही हूँ वो इम्पोर्टेंट नहीं, पर मैंने एक बच्चे को जो बचा लिया ना, तो मुझे ऐसा लगता है
कि जब मेरा खुद का मैंने एक सेशन लिया था और एक बच्चे ने आके मुझे रिफ्लेक्ट किया, तो मुझे उस टाइम पे ऐसा लगा एट द वो 2-3 साल पहले की, कि मेरी 37 ईयर्स की लाइफ का मुझे मिल गया कि मैं क्यों आई हूँ और क्यों जी रही हूँ, क्योंकि मैंने एक बंदे को बचा लिया. तो वो जो मुझे मिला ना, उस वजह से मुझे लगता है कि सेशन मुझे करना चाहिए. नंबर नहीं, पर मैं खुद से बहुत अच्छे से वो बच्चों को हेल्प कर पाऊँ. एक भी बच्चा बच गया तो मेरी जिंदगी सफल, उसकी जिंदगी सफल, तो मैं क्यों ना बचा. और अगर यही बात प्रिंसिपल से परमिशन लेने की बारी आए तो आप कैसे कहोगे उनसे? हाँ, मैंने आगे किया था कम्प्लीटली फेलियर पर फिर उसके बाद सेशन लिया और फिर एक्सपीरियंस किया. तो अब मैं जब किसी को बोलती हूँ तो मैं ऐसा बोलती हूँ कि भाई देखो, हम कितना डर रहे हो, आपके ऊपर भी जब इंस्पेक्शन आता है तो आप कितना डरते हो, राइट? तो वो डर तो है ही ना हम में. वो क्यों डर है? क्योंकि बचपन से आया हुआ है. तो अभी राइट टाइम हमें पास अपॉर्चुनिटी है कि हम रिजल्ट के फोबिया से बाहर निकाल दें बच्चों को. सिर्फ करना है उनको, काम करना है उसके, वो राइट सिखा दे उसको. तो जैसे हम इतने सालों से डर रहे हैं तो क्यों ना बच्चों को पहले से ब्रेव बना दे. तो एक प्रिंसिपल जो मेरे साथ थी वो ट्रेन में कन्विंस हो गई थी कि नहीं, आपकी बात तो सही है. पहले जब मैं 3-4 स्कूल में मिलने गई थी वो नहीं कन्विंस हुए थे, जैसा उन्होंने बोला ना वैसा ही कम्प्लीटली फेलियर. तो मुझे आगे फ्रस्ट्रेशन हुआ, फिर मैं गई नहीं कि नहीं मेरे से नहीं कन्विंस होते प्रिंसिपल्स. पर इस टाइप से मैंने बात की ना उनको बीच में रख के कि भाई आपको डर लगता है ना, तो आप क्या करते हो, आपको ये डर कहाँ से स्टार्ट हुआ? तो उन्होंने बोला कि मैं जब स्कूल में थी तब से फेलियर का डर हुआ. तो फिर मैंने उनको ऐसा बोला, तो मैं आज बच्चों को आज ही जहाँ से फेलियर का डर स्टार्ट हो रहा है वहां से मैं रोक दूं तो कैसा रहेगा? तो उस पॉइंट पे वो कन्विंस हो गई थी. यस, सो आई थिंक जो प्रोजेक्ट की बात करें या ओएसएस की बात करें, अगर हम उसकी सोल को एक्सप्रेस कर पाए, अगर हम उसके सोल को बता पाए. मैं ऐसी की तैसी की जब परमिशन लेने जाती हूँ तो मैं ठोक के बोलती हूँ प्रिंसिपल को कि मेरे देश में बच्चे मर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं एजुकेशन सिस्टम की वजह से. मैं नहीं चाहती कि ये हो, मुझे 1 घंटा चाहिए. मैं चाहती हूँ कि मैं उनके साथ बात करूं और उनको ये मैसेज दूं एग्जाम से पहले. मैं नहीं चाहती कि वो मरे या फिर वो डिप्रेशन से गुजरे. मुझे पता है, मेरे पास नॉलेज है, मैं शेयर करना चाहती हूँ. इसके लिए मुझे आपको 1 घंटा देना पड़ेगा. मैं बच्चों की लाइफ बचाना चाहती हूँ, मुझे 1 घंटा चाहिए, प्लीज मुझे सपोर्ट करो. कौन मना करेगा? अगर आप सोल को पकड़ के बोलते हो तो कौन मना करेगा? आप सेशन लेने नहीं जा रहे, आप किसी की लाइफ को इम्पैक्ट करने. कोई बच्चा कल सुसाइड करेगा, उसको उसको एक होप मिल जाए. अगर आपकी बुक पढ़ के, आपका सेशन सुन के, अगर वो कल सुसाइड करने वाला है और वो बच जाएगा, अगर ये भावना हमारे अंदर है तो ही हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं. इफ यू रियली फील इट फ्रॉम हार्ट, अगर आप दिल से इस चीज को मानते हो कि मुझे एक एक बच्चे की जान मेरे लिए कितनी कीमती है, मैं चाहती हूँ कि ये सुसाइड के जो रेशियो है वो नीचे गिरने चाहिए, ये बढ़ने नहीं चाहिए हर साल. अगर ये कन्विक्शन है तो आई डोंट थिंक कि कोई भी प्रिंसिपल ऐसा होगा कि जो मना करेगा. अगर ये ताकत है तो दैट इज वॉट आई रियली फील. एंड जिन दोस्तों ने ये अनुभव किया होगा अंदर की ताकत को, शायद उनको रिजल्ट्स पता चल ही गए होंगे. जैसे आत्मजा दीदी ने भी बताया कि वो अगर हम फील करते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है ये काम, कितना इम्पोर्टेंट है ये कॉज, तो अगर हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसके सोल को एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो आई डोंट थिंक एनीबडी इज देयर कि जो, बिकॉज ये ऐसी बात है जो दिल से दिल तक ट्रांसफर होती है. इसमें कोई बुद्धि आती ही नहीं है, इसमें कोई इंटेलेक्चुअल की जरूरत नहीं पड़ती. ये तो कितना सीधा कम्युनिकेशन है कि जान जा रही है, मुझे बचाना है. हु कैन से मी नो? सो दिस इज हाउ आई थिंक. ये अगर हम ज्यादा से ज्यादा हमारे अंदर इम्बाइब करेंगे, एंड ऑफकोर्स व्हाट साइलेश सेड, ऐसा हो सकता ही है कि देर आर
early adopters and there are who are followers. So it might definitely happen. ऐसा हो ही सकता है. और I loved what your driver said. Of course, हम भी इसको कैसे लेते हैं, that is our test at personal level, कि जो struggles या failures या negativities आती है, how do we take it? Do we take it as an energy booster? Energy boost, हम उससे boost होने का try करते हैं कि चलो अब तो करके दिखाऊंगी, या फिर we feel low, that is our personal extension at personal level, always. And that should happen because that increases our thinking also कि कैसे करें, वो हमको एक level ऊपर लेके जाता है if we have struggles in space. That is how I look at it. So हमारे पास सिर्फ 10 minutes है, so कुछ भी important questions हो. अरे 10 मिनट छः हजी है. सो एक एक प्रिंसिपल छे अमे अबे मिनट आप ठीक है हाँ जो मैं सदियों को शांत पड़ गई जो मैं कह रहा था इना मटे मैं परमिशन लेवा गया था एक ही अमुक स्कूल्स में एक ही बार मड़ी पर गई पर अमे जो एक स्कूल में गया था जो मारी साथे हाल ही थी हीरल सो इच स्कूल वो उसी स्कूल में पढ़ी हुई थी वो उसी स्कूल से उसने एजुकेशन उसका कंप्लीट किया था सो हम गए थे प्रिंसिपल के पास प्रिंसिपल्स के पास सो सभी ने मतलब अच्छा से रिस्पांस किया लेकिन जब हम उनके पास गए ना तो स्कूल के बाहर ही हमने देखा कि क्लास की टाइम हो रही है उनका स्कूल का टाइम भी हमें पता था सो सभी बच्चे बाहर ऐसे घूम रहे हैं कोई मैदान में खेल रहा है टीचर्स भी ऐसे राउंड करके बातें करने बैठ गए और हम ये सब के देख के हम गए थे प्रिंसिपल के पास हमने उनसे बात की कि ऐसा ऐसा है हमने स्टार्टिंग से पूरा 2 घंटा उनसे बात की उन्होंने जो भी क्वेश्चन पूछे और उस टाइम ऑनेस्टली मैंने कोई गुस्सा नहीं किया उन्हें बोला भी ऐसे ऐसे बोला था उन्होंने मैंने कोई गुस्सा नहीं किया था मतलब पूरा एकदम सेल्फ कंट्रोल करके मैंने उनसे बहुत प्यार से बात की थी सब कुछ हमने अच्छे से उन्होंने जो पूछा जैसे पूछा हमने सब एक्सेप्ट करके उन्हें बहुत प्यार से समझाया भी और एट लास्ट वो बोलते हैं कि हमारे बच्चों की स्कूल अब कोरोना के बाद अभी अभी स्टार्ट हुई है हमारे पास इतना टाइम नहीं है और हम आपको हम ढूंढ रहे हैं कि कहीं से हमें 1 घंटा मिल जाए पढ़ाने को और वो बोल रहे हैं कि हम घंटा ढूंढ रहे हैं हमें नहीं मिल रहा आपको कहाँ से दे और उस हमने मतलब ऐसा मेरा था कि मैंने जो भी जिस स्कूल में भी हम परमिशन लेने गए थे मैंने पहले से सभी प्रिंसिपल के रिव्यू लेके रखे थे ऐसे सो उनके रिव्यू मैंने हर जगह से सुने थे कि वो एकदम बोलते ना अरियल टाइप गुस्सेल टाइप ना बात सुनते हैं सॉरी टू इंटरप्ट पर टाइम बहुत कम है आप फास्ट आपका क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो हाँ मतलब एवा मानस ने केवी रीते समझा ऐसे इंसान को कैसे समझाए जो सब कुछ ट्राई करने के बाद लास्ट ऐसे बोलता है कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है मैं नहीं करवाऊंगी सो ऑलरेडी हमने उसका आंसर दे दिया आई गेस कि हम कितना फील करके बोल रहे हैं यानी हम कितने अच्छे से प्रेजेंट कर रहे हैं और कितना दिल से बोल रहे हैं दोनों में डिफरेंस है
सो शायद बहुत अच्छे से किया भी हो सकता है, पर आई गेस वो मिसिंग हो. और जैसे कि शैलेश ने बताया अर्ली अडॉप्टर्स, सो ऐसे लोग मिलेंगे आज भी. ऐसा नहीं है कि हमें कोई मना नहीं ही करता है और हमें हमेशा सक्सेस मिलती है. सो दैट इज़ ओके, पर हम कितने जल्दी अच्छे लोगों से मिलते हैं, उनके थ्रू दूसरे नेटवर्क्स खड़े करते हैं उनके थ्रू. सो स्लोली स्लोली एट द एंड ऐसा होगा कि जब सारी स्कूल में हो रहा होगा और वो एक स्कूल बचेगी, तो देन दे विल ऑल्सो अंडरस्टैंड. बट ओके, वी हमेशा ये सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि हमने हमारा बेस्ट दिया, देन इट इज़ ओके. और वो हार्ट में से एक आवाज़ आ जाती है कि यार बेस्ट दिया, देन इट इज़ ओके. यस कीर्तना, हेलो. जैसे कि आप बता रहे हो कि आपका रोल मोटो कैरेक्टर बिल्डिंग है, तो NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है जो भी आ रही है, क्योंकि जिस लेवल पे जिस गति से काम कर रहे हैं आप लोग, अनुभव जो मेरा समझने में बता रहा है, तो उसके लिए स्प्रेड और फास्ट किसे आप ला सकते हो? और जैसे ये दीदी ने भी कहा, उससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन है कि मान लो कि स्टाफ चाहता है, बच्चे भी चाहते हैं, पर एक प्रिंसिपल या एक ट्रस्टी अपने ईगो में एक बार मना कर देता है, हाउ कैन यू कन्विंस? अब वहां पर अनुभव तो नहीं बताया जाएगा ना. दो आदमी आपको ज्यादा चैलेंज करेंगे, जो जो सबसे ज्यादा पढ़ा हुआ है और जो सबसे ज्यादा अनपढ़ है, उनको कैसे कन्विंस करोगे आप? मेरा ऐसा मानना है कि माने सभी पढ़े लिखे लोग या सभी जो लोग बहुत पढ़े लिखे हैं वो सभी लोग मना करते हैं, ऐसा भी नहीं है. और सभी अनपढ़ लोग भी ऐसा करते हैं, कोई माने ऐसा नहीं, ऐसी पैटर्न नहीं है कि जो लोग सब पढ़े लिखे हैं वो लोग सब मना करते हैं, या फिर जो सब अनपढ़ लोग हैं वो भी मना करते हैं, वो लोग भी एक्सेप्ट कर लेते हैं कोई भी चीज़. सो अगेन, उनकी जो कोई पर्सन है तो उनकी लाइफ में क्या हुआ है, वो क्यों वो चीज़ को लेकर के मना कर रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, वो अपना स्टैंड ले रहे हैं, तो वो कौन सी चीज़ को लेके कर रहे हैं? अभी अगर हम दो चीज़ हैं कि हम ऐसे सोचेंगे कि हमें स्कूल में माने बच्चों को हेल्प करनी है, और फिर वो प्रिंसिपल नहीं मान रहा है तो हम क्या करें, उनको कैसे भी करके मनाना है, या फिर हमें ऐसा सोचे कि उस प्रिंसिपल वो चलो हमें एक बार परमिशन दे भी देगा तो हम वहाँ पे सेशन कर भी लेंगे, बट वो प्रिंसिपल को भी कुछ तकलीफ होगी, उनको भी कुछ, उनकी भी कुछ स्टोरी होगी. सो उनको भी हमें एक बार तो उनको भी जानने की, उनको भी सुनने की ज़रूरत पड़ेगी. अगर हम उनको भी सुन पाएंगे, उनको भी जान पाएंगे, तो शायद स्कूल में जाके सेशन में जाके बच्चों को तो हेल्प होगी ही, लेकिन वो जो हेल्प है जो मे बी प्रिंसिपल, अभी वो कैसे कौन है, कैसे लोग हैं, उस पर भी डिपेंड करेगा वो सुनना चाहते हैं कि नहीं. बट अगर वो सुनना चाहे तो फिर उनकी लाइफ में भी हम वो चेंज ला सकते हैं. माने हमें सिर्फ ऐसा नहीं सोचना है कि ये पर्सन कन्विंस नहीं होगा तो चलो हमें वो स्कूल को छोड़ देना है. हम ऐसे ट्राई करते हैं कि क्यों ना हम उनको भी सुन सके, एटलीस्ट हम उनको सोल्यूशन नहीं दे सके लेकिन हम उनको सुन ले. क्या पता उनको सिर्फ कोई सुने ऐसी ही जरूरत हो, उनको भी कोई नहीं सुन रहा हो. सब जैसे बोल रहे हैं कि ये प्रिंसिपल अच्छे नहीं है, क्या पता उनको सब ऐसा ही बोलने वाले हो, उनको कोई समझने वाला ना हो. सो हम ऐसा ट्राई करते हैं कि हम उनको भी सुने, उनको भी समझे, हमारा बेस्ट ट्राई करते हैं, फिर अगर वो नहीं कन्विंस होते हैं तो फिर दूसरे रास्ते निकालते हैं. इसका मैं थोड़ा रिप्लाई अगर करूं. बोल दे. या सो मैं इसके लिए ये बोलना चाहूंगी कि बहुत सारे नेचर के, जैसे आपने बोला, बहुत सारे नेचर के हमें लोग मिलते हैं, तो
इतना हमें समझ होता है अपने आप में, ये मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ हर किसी में, कि उसको उसी की लैंग्वेज में समझाना दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. अगर वो जैसे सुनना वो चाहता है वैसे उसको सुना के कन्विंस करना दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. अगर मैंने सोच लिया कि बहुत स्वीट नेचर की है तो इस स्वीटनेस में मैं उसको उसी की लैंग्वेज में, उसी स्वीट वर्ड्स में, या जो वो सुनना चाहती है एक्चुअल में उसी की लैंग्वेज में चेंज करके अपनी बातों को तब एक्सप्रेस करूँ, हो सकता है वो कन्विंस हो जाए. ये मेरा सॉल्यूशन है फॉर इट. प्रिंसिपल की जो तकलीफ है वो ये है कि प्रिंसिपल पहले से ऐसा मान लेता है कि मुझे सब कुछ आता है और जो मेरा निर्णय है वही सब लोगों का निर्णय है. ये सबसे बड़ा ईगो पावर है. और प्रिंसिपल को अपने को मनाना हो तो उसका एक ही कारण है कि सर हम ये जो काम कर रहे हैं इससे आपकी संस्था को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है. तो जब वो अपना फायदा ढूंढेंगे ना तो शायद अपने को प्रोग्राम दे देंगे. और मना करने का जो कारण है वो सबसे बड़ा कारण ये है कि जैसे अपना एनजीओ है ओएसिस है तो सामने वाले को क्या लगता है कि अपने फायदे के लिए आए हैं, ये नहीं देखते हैं कि हमारे लिए आए हैं. उनको ऐसा लगता है कि अपने फायदे के लिए इनको अगर हमने प्रोग्राम दे दिया तो न जाने ये क्या हो जाएंगे. तो अपने को इससे उल्टा चलना पड़ेगा कि सर हम ये कार्यक्रम करेंगे इससे आपको ये फायदा होगा तो वहाँ ये ठीक है. इसमें बहुत अच्छी स्टोरी है फिर कहीं करेंगे इसके. एक्चुअली ये हमारी सबकी माने एज अ कंट्री भी हमारी एक फेलियर कहो या एक बैकसाइड कहो कि एनजीओ बेसिकली बने तो होते हैं समाज के लिए काम करने के लिए, लेकिन हमने इतना सारा सुना है इतना सारा देखा है कि सब एनजीओ बनके फिर अल्टीमेटली क्या करते हैं. सो दिमाग में भी ऐसे पैराडाइम्स बन गए हैं कि इस एनजीओ है तो वो खुद के फायदे के लिए ही वो लोग कुछ न कुछ कर रहे हैं. सो ये एक पैराडाइम है बट हमें हम भी उसमें हार नहीं मानने वाले हैं. हमें भी वो पैराडाइम ब्रेक करना है कि एनजीओ है और हमारा ऐसा एनजीओ है जो लोगों के लिए काम, ऐसा नहीं है कि सब एनजीओ लोगों के लिए काम नहीं कर रहे हैं बट ऐसा पैराडाइम जनरल हाँ ऐसा वो पैसे कमाने का मीडियम या फिर उसको कुछ मिसयूज करने का मीडियम ऐसा बन गया है जनरल पब्लिक का ऐसा पैराडाइम. सो वो भी एक चीज़ है, वो भी एक दिक्कत देखते हैं. बट जैसे ही वो लोग देखते हैं कि नहीं हम सच में कुछ देने के लिए आए हैं, हम कुछ लेने के लिए नहीं आए हैं, तो फिर वो लोग सब कन्विंस हो ही जाते हैं. और ये क्वेश्चन सोल्व दीदी का हुआ. मेरा क्वेश्चन जो पहले मैंने किया था वो बाजू पास में साइड बाय रह गया कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में हमारी एनजीओ का क्या रोल है, इसको फास्ट फॉरवर्ड करने के लिए कुछ अपने गवर्नमेंट पॉलिसी के हिसाब से. क्योंकि कहीं कहीं जैसे मैंने इस उदाहरण से कहा इनकी मैडम का कि हमारे यहाँ जो प्रेसिडेंट है आदिवासी इलाके में उनकी देर आर 100 स्कूल्स 100 संस्था है उनकी और 3-4 PTC कॉलेजेस. कहीं भी प्रिंसिपल पास जाओ तो प्रिंसिपल एक ही बात कहेगा हमारे ट्रस्टी से मंजूरी लेके आओ तो हम संस्था में आन देंगे. और जब ट्रस्टी के पास जाते हैं तो उनके पास एक ही वर्ड रहता है मैंने कहा था ये तो ट्राई करके संस्था भी हाफ ऑफ मेरा सन है कि एक लाइव कैंप के लिए पापा मंजूरी दिलवाओ तो हम आए. तो मैंने कहा कि ये एक संस्था का दरवाजा खुल जाता है तो 100 संस्था मिलेगी. तो उन्होंने एक ही वर्ड में मुझे समझा दिया था तैयार थाड़ी पर आओ छो तमारा में इतनी ताकत है तो एजुकेशन माथी मंजूरी लेने आओ. अब मुझे ये समझ में नहीं आया कि अब वो प्रमुख को मैं कैसे समझाऊं कि एजुकेशन या मिनिस्टर या एजुकेशन मिनिस्टर से लेटर लेके आओ. तो वहाँ मुझे ये दिक्कत मुझे महसूस हुई थी इसलिए मैंने इनको टेक ओवर करा. पर मेरा क्वेश्चन ये था कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो इतनी बढ़िया बन रही है उसमें अपना रोल मॉडल क्या है. एक्चुअली जो भी पॉलिसीज बनती हैं देश की या जो भी बंधारण बनता है कॉन्स्टिट्यूशन बनता है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन तो इसी मकसद से बनता है ताकि देश हमारा जो है वो अच्छे से चल पाए, बहुत ही अच्छे से अच्छा हम दे पाए, कंट्री को अच्छे से अच्छा चला पाए. बिकॉज उनका भी वही मकसद होता है. हम कोई भी बंधारण रूल बनाते हैं डेमोक्रेसी में जो भी करते हैं वो सब एक ऐसे ही मकसद से करते हैं. माने एग्जाम्स किसी ने डिज़ाइन की है तो वो भी एक ऐसे ही मकसद से की होगी कि ताकि हम उनको कोई ना कोई सिस्टम में रख के उनको हेल्प कर पाएं. बट
सवाल क्या सिर्फ सवाल सिस्टम का है, माने हम पॉलिसीज चेंज कर देंगे तो ये चीज हो जाने वाली है, माने पॉलिसीज तो सब ऐसी ही है कि उनका भी अल्टीमेट मकसद तो ऐसा ही है कि हमको बच्चों को अच्छा से ग्रोथ करना है, उनको पढ़ाना है, उनको समझाना है, उनको तैयार करना है, बट वो एजुकेशन की पॉलिसीज की जगह पे जो एजुकेशन दे रहे हैं, जो बच्चों को सिखा रहे हैं, जो एनवायरनमेंट दे रहे हैं, वो अगर चेंज हो जाए, माने सब जगह पे तो स्कूल्स भी नहीं है कहीं सारी जगह पे, वहाँ पे भी बच्चे तो सीख ही रहे हैं, स्कूल नहीं जाके भी सीख रहे हैं, बट उनको तो कोई पॉलिसी नहीं मालूम है, कुछ भी मालूम नहीं है, बट उनको जो मिलता है, जो प्यार मिलता है, जो फ्रीडम मिलती है, जो एनवायरनमेंट मिलता है, उससे बहुत ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा हम काम कर पाते हैं, ऐसा हमारा मानना है। माने एजुकेशन में पॉलिसी में भी जो चेंज है वो होने ही चाहिए, जो कुछ गलत हो तो, बट उससे उसकी वेट करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज सिर्फ पॉलिसीज चेंज करने से शायद बदलाव आना होता तो वो बहुत पहले आ चुका होता। और ये चीज़ जो फैसिलिटेटर्स तैयार करने की, जो आदमी, जो क्या बोलते हैं, पीपल्स को चेंज करने की चीज़ है, वो सडनली हो जाना बहुत ही कठिन है। माने मुझे खुद को भी कुछ एक चीज़ भी है उसको मुझे खुद से चेंज करना हो, मेरे अंदर चेंज करना हो, तो भी मुझे काफ़ी सारा वक्त लगता है। तो फिर हम ऐसा एक ही, माने बहुत जल्दी हो जाए ऐसी हम एक्सपेक्टेशन भी खुद से नहीं रखते। हमें पूरा गोल रख के, पूरी कमर कस के, 2400 घंटे काम करके हमें करना है, लेकिन वो फिर सिर्फ नंबर्स में अगेन चला जाए वैसा हम नहीं चाहते। जो भी काम हो रहा है वो इतनी अच्छी क्वालिटी से हो, वो ज़्यादा हम मैटर करते हैं। शैलेश ने बोला, उसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि आप 2020 एजुकेशन पॉलिसी की बात था कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग, बच्चों को प्रैक्टिकली सिखाओ आप, सब कुछ उसमें मेंशन था, लेकिन ग्राउंड पे जाके जब वो डिलीवर करने की बात आती है, क्योंकि पॉलिसी तैयार करना एक बात है, लेकिन पॉलिसी को डिलीवर कौन करता है? टीचर्स। और जब लोग टीचर्स ही तैयार नहीं होंगे, जब तब जाके वो पॉलिसी का क्या फ़ायदा कि जो ऑन पेपर हो। तो ओएसएस का काम, हम इसीलिए गवर्नमेंट वाला जो है एंगल, बहुत सारे लोग ये पूछते हैं हमसे सवाल, हम ये मानते हैं कि पहले लोग तैयार होंगे, तब जाके ये जो पॉलिसीज है, ये जो रूल्स है, ये जो फ्रेमवर्क में चेंजेस आते हैं, उसके फायदे उसके बाद होंगे जब लोग तैयार होंगे। वो इसका काम ही यही है कि लोग खड़े करना। इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स तक पहुंच पाए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रिंसिपल्स को ट्रेन कर पाए, ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन ऑफिसर्स को ट्रेन कर पाए, ताकि वो ये मकसद समझे कि एजुकेशन ऑफ हार्ट असली मायनों में क्या है। तब जाके वो पॉलिसी इम्प्लीमेंट होगी नहीं होगी वो अलग बात है, लेकिन बच्चों को एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट वहाँ पे ज़रूर मिलेगा। हेलो, 94 में पॉलिसी बनी थी, हम हर बार न्यू एजुकेशन पॉलिसी देते हैं, इस बार हमारे प्रधानमंत्री का ये विज़न है, ये न्यू शब्द ही निकाल दो, हर समय न्यू करके न्यू ऐड हो जाएगा ना, इसे बेसिकली स्ट्रिक्ट दे दिया है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो उसमें रोल मॉडल, मैंने इस हिसाब से आपसे पूछा था कि भारतीयता का शिक्षा, भारतीयता को शिक्षा में जोड़ना, भारतीयता ने यानी जो हमारे वैल्यूज़ है, जो हमारे सब आप लोग काम करते हो, उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाके उनका क्या रोल मॉडल है, जैसे टीचर्स का क्या रोल मॉडल होता है। हम बहुत कुछ काम करते हैं पर कभी कभी क्या होता है, एक मशीनरी मशीनरी की तरह ही काम करती है, पर ये पहली बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने ओपनली सबको इनवाइट करा, अभी 6 महीने तक ये चल रहा है उसमें, कि आप अपना योगदान, अपनी डेफिनेशंस, अपनी कार्यकुशलता, अपने चैप्टर्स, अपने विचार्स हमें दो, हम उसको ऐड करेंगे, या हमें क्या कमी है, ये पूरी एजुकेशन पॉलिसी पढ़ो, हमको उसमें सजेशन दो तो हम उसमें सुधार करेंगे, आपके कुछ ऐसे चैप्टर्स हो, सब्जेक्ट हो, हमें दे दो तो हम उसको एजुकेशन में ही डाल देंगे। उस उपलक्ष्य में मैं ये पूछना चाह रहा था।
मेरा विषय बड़ा डेप्ट और गंभीर था कि हम 4, 5, 10, 15, 20, 25 बच्चे को ढूंढते हैं, वो तैयार करते हैं, बड़ी मेहनत से काम करते हैं वो, पर कुछ समय के बाद मान लो उनमें ठहराव आ गया, फिर नए बच्चे ढूंढना, फिर नए बच्चों को तैयार करना, जब तक चैलेंजेस और कुछ बढ़ जाते तो फास्ट फॉरवर्ड काम करने का समय आ गया है। एक वातावरण जो आप चाहते हो वो अनुरूप बन रहा है, शायद सृष्टि का भी ये हो, तो उसमें हमारा सबसे बेटर रोल अब स्थापित होना चाहिए। जैसे आप कहते हो ना कि स्प्रेड किया है, ये कोविड में आपको एक बहुत अच्छा एडवांटेज मिला, नहीं तो आप शायद ये ऑनलाइन नहीं करते, क्योंकि आप हार्ड टचिंग में मानते हो, राइट ना, कि भाई हम तो हार्ड टचिंग यानी मैन टू मैन मिलना और उन्हें समझाना, अपने एक्सपीरियंस से उन्हें हमें महसूस कराना, तो ये करना पड़ा क्योंकि कोविड आया, तो इससे कितना स्प्रेड हुआ, फास्ट स्प्रेड हुआ, चाहे जुड़े नहीं हो पर कितने लोगों ने समझा होगा, जाना होगा, देखा होगा, महसूस किया होगा वो चाहे ऑनलाइन से, तो वैसे एक एजुकेशन पॉलिसी आ रही है तो उसमें अपना एक रोल मॉडल हो जाना चाहिए, उस उपलक्ष में मैंने कहा था। मेरा क्वेश्चन भी उसी से रिलेटेड था। यस यस, आपने दो चीजें बताई यहाँ पे, एक तो जो पॉलिसी आ रही है उसमें ओएसएस कैसे पार्टिसिपेट करके अपने सुझाव दे, तो ये तो एक्चुअली हमको भी सोचने की बात है कि हम ऐसा कुछ कर रहे हैं या अगर ऐसा प्लेटफॉर्म है तो हमें करना भी चाहिए, सो दैट वी कैन नॉट आंसर राइट नाउ, क्योंकि ओएसएस क्या रोल प्ले करेगा, फॉर दैट वी ऑल्सो नीड हेल्प ऑफ आर मेंटर्स, सो उसका आंसर हम लेके फिर आपको बताएंगे। और दूसरा, आपने जो स्प्रेड करने की बात की, तो एक्चुअली हम बहुत ट्राई कर रहे हैं कि हम स्प्रेड करें, लेकिन हमारा मेजर मोटो ये भी है कि जो क्वालिटी है वो नहीं नीचे जानी चाहिए, कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। तो जैसे हुचू ज्योतिधर का प्रोजेक्ट है, तो हमारी पार्टनरशिप गुजरात गवर्नमेंट के साथ है, लेकिन अगेन वो पार्टनरशिप का पेपर लेके हम स्कूल में नहीं जाते हैं, वी बिलीव, यानी एक बार मैं एक किसी गवर्नमेंट स्कूल में गई थी परमिशन लेने के लिए लाइफ कैंप की, एंड आई गेट टू नो कि हमारी तो गुजरात गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप है, और मैंने वो स्कूल में बोल दिया कि मैं वो पेपर लेके आऊंगी, हमारी तो पार्टनरशिप है, एंड मैंने जाके प्रीति दीदी को बोला, एंड शी सेड कि हम जो भी काम कर रहे हैं हम वो इंसान को बदल के कर रहे, हम किसी स्टैम्प पे या किसी अथॉरिटी से काम करना नहीं चाहते, तो वो जो क्वालिटी है वो आनी चाहिए। और एक्चुअली गवर्नमेंट के थ्रू होने में इतना सारा हमें प्रॉब्लम झेलनी पड़ी है कि जब भी टीचर्स की वर्कशॉप्स होती है हमें डेट्स नहीं मिलती है, बहुत हो रहा है, तो हर एक जगह से हम ट्राई कर रहे हैं, यानी गवर्नमेंट के पास का पार्टनरशिप है लेकिन यूज उस तरह से नहीं करना है, जहाँ पे एक्चुअली नीड है वहाँ पे हम कर रहे हैं, एंड अगेन क्वालिटी मैटर्स, सो चल रहा है। और आपको भी पता ही है कि गवर्नमेंट के साथ काम करना उससे ज़्यादा हम अगर इंडिपेंडेंटली यूथ्स को तैयार करके, ये ऑनरशिप का प्रोजेक्ट है, ये मिसाल का प्रोजेक्ट है, उससे यूथ को तैयार करके डायरेक्टली कोई रीजन दे दे उनको, और गवर्नमेंट के साथ काम करके जो स्पीड हम पकड़ सके, सो आई थिंक वी प्रिफर कि यूथ्स ज्यादा हो और वो खुद ट्रेन होके खुद शुरू करे। सो एक्चुअली ओएसएस इज अ पीपल्स मूवमेंट, कि वो पीपल टू पीपल, वो स्टैम्प से या अथॉरिटी से या पेपर से नहीं, लेकिन पीपल टू पीपल हम कितना जल्दी ट्रैवल कर सकते हैं, पीपल्स मूवमेंट, सो पीपल की हेल्प से हम कितना जल्दी समाज को बदल सकते हैं। सो एक लाइफ कैंप हुआ या एक L3 हुआ या एक ऐसी की तैसी हुआ, उसमें हम बच्चों को हर बार पूछते हैं कि आपको ये मिला आपको कैसा लगा, आपको इस चीज़ को आगे पास ऑन करना है, एंड दे अग्री, एंड जितने दोस्त अग्री करते हैं हम उनके थ्रू उनको ही बोलते हैं, उनको एनकरेज करते हैं कि आप ये मैसेज पास ऑन करो, सो इट्स अ पे इट फॉरवर्ड, मुझे जो मिला है उसको मैं आगे लेके जाऊँ। इसलिए ओएसएस इज नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन, इट्स अ ओएसएस मूवमेंट। हमारा टाइम हो चुका है, डू वी वांट टू एक्सटेंड?
तो वी कैन एक्सटेंड और कि नीति आयोग का है, जो नहीं आए वो नहीं आए, पर मैं कल सबके सॉल्यूशंस ये इसके सबके वो मांगूंगा। आधे घंटे के अंदर जो जहां से था वहीं से आ गए, खाते हुए आ गए, दौड़ते हुए आते, नहाते हुए आ गए, मीटिंग में से आ गए, वैक्सीन लगाते हुए आ गए, जो जहां था वहां से आ गया। क्योंकि जब डीओ ने कलेक्टर ने ऑर्डर्स छोड़े ने, और वो सेशंस जो नहीं चाहते थे हम, इतना बेस्ट हुआ। वो मैडम आपके जैसे ही थे, पर वो नीति आयोग से आए थे वो, कि मेरे को इतनी दूर रिमोट आदिवासी ट्राइबल एरिया में थे, दिल्ली से पहुंचाया और मैं सेशंस करे बिना चली जाऊं। मेरे सेशंस में कुछ प्रिंसिपल आए और कुछ ना आए, हाउ कैन दिस पॉसिबल? क्योंकि मैं कितनी तैयारी के बाद यहां तक आई हूं, तो आपकी कितनी तैयारी है, बरसों की मेहनत है, वाई शुड वी वेट 100 ईयर्स मोर? ये समय है आपको, जो आप चाहते हो प्लेटफॉर्म उसका अनुकूल समय पे ही, जब कैसे नहीं लोरू गर्म तारे घा मारे ना तो बराबर घाट पड़े, नहीं तो त्रिकम तैयार ना थाए। ता लोरू गर्म छे, घा मारवानो समय छे, बाकी तब एज यू लाइक। તમારા સુધી પહોંચાડ્યા, તમે તમારા ઉપર સુધી પહોંચાડી શકો છો, કારણ કે હું બી એક નાનો છું ને તમે બી જો કહો છો નાનો છતાં હું સૌ તારો, તો શક્તિ મુજબ અભિમાન, તમારી શક્તિ એ જ અમારું અભિમાન છે. તો હું નાનો જ છું તમારા જેવો, રખેવાળો છું એક નાની સ્કૂલનું. મારા જે વિચાર હતા આને રિલેટેડ મેં પહોંચાડી દીધા છે, કે મેં ઉપર સુધી જોઈન્ટ નથી ઉપર બી, એટલે તમે બી પહોંચાડી શકો છો. યસ, એટલે તમારી ક્લાસ તો તમારી છે, રાઈટ? સો કદાચ આખી સ્કૂલમાં નહીં કરી શકે, પણ તમે જે ક્લાસ લો છો ને, અગર ઉસી ક્લાસ મેં ભી હમ લાઈફ ક્લાસ લે લેંગે ના, તો દેટ ઇઝ ઇનફ ફોર અસ. હમે વો ઓથોરિટી સે ધક્કે માર કે હથોડે માર કે કામ નહીં કરવાના. નહીં, પર વો મેં ક્યા ચાહતા હું કે જેસે મેરા બચ્ચા આયા ને, તો હમે ભી કુછ જો કહેતે ના આપ આદર્શ, આદર્શ વાસ્તવિકતા મેં જબ ટકરાતે ને, તો મેં ભી હમ ભી હિલ જાતે, હમારે ભી બહોત સે સ્ટ્રગલ હૈ. पर मैंने कहा कि जब सही हो रहा है तो कुछ ऐसी बातें जानकारी में अपने तरफ से भी डाल दो, कहीं ऐसा हो जाए कि भाई खिसको लीना नाखेला चार रेतना कण, एना थी भी पुल नमा मदद थी जाए, तो मैं तो हमारे भी विचार कहीं काम लग जाए आपको, मैं उसी उद्देश्य से कह रहा था, मोटिवेशनल के उद्देश्य, क्योंकि मैं आप तो कर रहे हो नहीं, मैं तो एजुकेशन से जुड़ा हुआ हूँ फिर भी नहीं कर पा रहा हूँ जैसे आप कह रहे हो ना, क्योंकि ये सब्जेक्ट के तौर पे भी आना चाहिए, कुछ अंदर भी आना चाहिए। अब समय अनुकूल होगा, एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से बुक्स और करिकुलम तय हो रहे हैं, सब्जेक्ट्स में अपने हर लेसन्स आ रहे हैं, नए मॉड्यूल्स बन रहे हैं, लेसन्स बन रहे हैं, तो उस हिसाब से ये जरूरी था। थैंक यू फॉर मुझे सुनने के लिए आप सबको। One reply actually for his question. Okay. See, National Education Policy has already been formulated in 2020. In news, what they have told that they have already asked so many teachers,
like professors about the feedback of new education policy. So OASIS movement being a provider of character building education, and you are insisting on changing education system. So it was actually their responsibility also to approach you for your feedback. Maybe they have not done that. And since long back, I've been hearing that from OASIS, there has been so many letters being written to the education minister, prime minister, that education system has to change. So it is also their responsibility to consider your letter. So you have been doing that since long back, is what I want. Letters are patch. Education is dying na project group. But thank you so much. बहुत ही अच्छा discussion था and we actually learn a lot कि कुछ तो try करना चाहिए. So thank you so much. And here we are concluding. हमने already बहुत ज़्यादा extend कर लिया है and we hope कि आपके questions के हमने थोड़े बहुत reasonable लेवल के आंसर्स दिए होंगे एंड आप थोड़े बहुत सेटिस्फाइड भी होंगे. एंड अगेन आपको कुछ भी हो आप हमें ब्रेक टाइम्स में मिल सकते हैं, आप क्वेश्चंस कर सकते हैं. सो वी कैन वन टू वन आल्सो वी कैन डिस्कस और ये सिलसिला ख़त्म नहीं होने वाला है. सो एनिग्मा ही है ऑफ कोर्स, उसको सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट है. सो I explained in before also. Enigma ka meaning sabko pata hai, right? It is a puzzle, or there is a movie named Enigma, jo World War II hua tha us time pe, jo what we call it, kuch machines tha jisko कोड सुलझाना बहुत इम्पॉर्टेंट था और उसके कोड पे से पता चलता था कि कहाँ पे वॉर, हिटलर कहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट करने वाले हैं. सो दैट सॉल्विंग दैट कोड वाज सो डिफिकल्ट एंड दैट्स वी कॉल इट एनिग्मा ऑफ ओएसिस, कि ये कोड भी उतना ही डिफिकल्ट है टू सॉल्व. और अभी हम लोग भी अंदर अंदर आंसर्स सॉल्व ही कर रहे हैं. सो ये जर्नी तो चलने वाली है. सो थैंक यू सो मच कि आपने इतने अच्छे क्वेश्चंस पूछे और एक्सटेंड भी किया.